दोस्तों जहां पर ईरान का भी कोई साथ नहीं दे रहा, कोई अरब कंट्री ईरान का साथ नहीं दे रहा, सब उसको अकेला छोड़ दिया ईरान को मालूम। और ईरान का साथ देने के लिए आगे कौन आया पता है आपको? रशिया आगे आया मालूम। रशिया ने डायरेक्ट ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया। लगाओ रे रिपोर्ट, ये देखो, रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सौंपा कि भाई तेरे ऊपर हमला होना तो ये एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना। और रशिया हमेशा यूएन के अंदर ईरान का साथ देता मालूम है, कोई अरब मुस्लिम देश कभी नहीं देता मालूम। और ना ही ऐसा बोलेंगे कि हाँ चल ईरान के साथ में खड़े ले हम, कभी नहीं। और रशिया ने यहाँ तक बोला कि तुझे इंटेलिजेंट सपोर्ट भी दूंगा मैं। कैसा अमेरिका का तो सपोर्ट देता है इसराइल को कि तेरे ऊपर हमला होने वाला है, इधर की जानकारी उधर की जानकारी, लेबनान पे ऐसे हिजबुल्ला तेरे ऊपर हमला करेगा। हाँ तो ऐसा अब रशिया इंटेलिजेंट सपोर्ट देने वाला है ईरान को। बाकी सब जैसा मुस्लिम 56 बहने अकेले भाई को छोड़ दिए ले, अकेला कौन भाई है? ईरान। बाकी 56 मुस्लिम बहने है जो इसको अकेला छोड़ दिए जंग के अंदर, इसका साथ नहीं तेरे। पर ईरान भी कड़क है, ईरान ने बोले ला अगर इसराइल ने हमला करा तो पलटवार इससे खतरनाक करेंगे हम। ये रिपोर्ट देखे दोस्तों, जहां पर एक तरफ मगरबी मीडिया यानी वेस्टर्न का जो मीडिया है ना वो इसराइल का नुकसान छुपा रहा था कि नहीं वेतम जो एयरबेस है उस पर हमला हुआ ना, कुछ नुकसान नहीं हुआ बोले इसराइल का। अरे जब अब सैटेलाइट, ये देखो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, इसमें साफ लग रहा कि हाँ भाई नेवितम जो एयरबेस है उसके ऊपर हमला हुआ। और हमले के दौरान जो देख फाइटर जेट हैंगर है ना, जहाँ भाई फाइटर जेट को वहां पे रखते जैसा कपड़ा कैसा टंगा था हैंगर विंगर में, तो ऐसा फाइटर जेट हैंगर भी रहता तो वहां पे सब फाइटर जेट आके रुके रहते। अब F-30 F-35 और F-60 जो ये फाइटर जेट है इनको नुकसान पहुंचे ले तगड़ा नुकसान, पर इसराइल छुपा रहा भाई। अब जब लोगों ने सैटेलाइट से ऊपर से तस्वीर लिए तो थोड़ी बहुत तस्वीर आई, बाद में इसराइल ने उसको चेंज कर दिया, समझ रहे? और वेस्टर्न मीडिया वाले बोल रहे कि इसराइल का नुकसान ही नहीं हुआ, वो तो आसमान में से मिसाइल कैसे गिर रही थी, फिर धड़ाधड़ निवितम एयरबेस पे। हाँ लगाओ क्या रिपोर्ट, अभी देख लो रे कैसा खतरनाक हमला कर रहा था निवितम एयरबेस पे धड़ाधड़। कम से कम ईरान का कहना है कि मैंने 100 मिसाइल दागिर था वहां पे, अब हमको तो बहुत दिख रही है ऐसा धड़ाधड़ गिर रही निवितम एयरबेस पे। ये है इसराइल की हकीकत के इसराइल हमेशा अपना नुकसान छुपाता, पर जब मिसाइल गिर रही तो लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली ना, अरे देख रहे क्या गिर रही बोले निवितम एयरबेस पे मिसाइल, ये असली चेहरा है इसराइल का, हमको बताना जरूरी है यार। हम ऐसा बताते ना फिर कि कोई न्यूज रिपोर्टर ऐसा हमारी ऐसा रिपोर्टिंग नहीं करता कि एकदम सरल और सीधी भाषा में कि किसको भी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा था हमने यार। दोस्तों जहां पर पूरी दुनिया में अरब कंट्री की तू-तू हो रही थी, क्या अरब कंट्री इतने साथ हो गए, 56 कंट्री होते साथ भी ईरान का साथ नहीं दे रहे, तो एक ऐसे अरब कंट्री में जो है ओमान, उसको शर्म आई यार। सही बात है यार, बोले कोई साथ नहीं दे रहा बोले ईरान का, तो उसने ट्वीट करा फिर कि हम ईरान के साथ में है। जो इस जंग की असली जड़ है लोगों को उसका विरोध करने को होना बोले, लोग ईरान का विरोध कर रहे बोले और हम ईरान के साथ में बोले, ऐसा ये ओमान कंट्री वालों ने ट्वीट करे ले, ओमान का जो भी बादशाह है उसने ट्वीट करे ले। मुझे तो उम्मीद नहीं थी मैं ऐसी रिपोर्ट पढ़ूंगा, समझ रहे? पर पढ़ना पड़ रहा है ले रिपोर्ट, समझ। बाकी उम्मीद कर सकते हो कुछ अरब देश भी आए कुछ दिन में ईरान के साथ में। आज जो पर ये लोग ऐसा डरते ना अरब कंट्री वाले, बाप अमेरिका से डरते इसराइल से डरते, गुलाम है ना इनके, तो फिर बोलेंगे कहाँ से? सब सिस्टम इन लोग अंदर ही अंदर चलाते ना, तो फिर बोलेंगे कहाँ से? ये दोस्तों रिपोर्ट थी, जहाँ एक तरफ दोस्तों वेस्टर्न के देश है जो मगरबी देश है वो ईरान के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ पाबंदी लगा रहे या उनको टेररिस्ट लिस्ट में डाल रहे ईरान वालों को। अभी और एक कंट्री का नाम सामने आया, इसका नाम है लिथुआनिया, ऐसा नाम है साला, ऐसा जबान पे भी नहीं आता लिथुआनिया। लिथुआनिया ने क्या करा, ईरान की जो मिलिट्री है ना IRGC इसको टेररिस्ट लिस्ट में उठा के रख दिया भाई, क्योंकि ये टेररिस्ट लोग है इनको बैन करो, और इनके ऊपर पाबंदी लगा दिया, बैन कर दिया। मतलब IRGC कौन है, ईरान की मिलिट्री है, उसके ऊपर बैन लगा है किसने, लिथुआनिया ने। अभी ईरान भी एकदम फुल मोड़ में आगे ले, आजू बाजू के जो अलायंस है जो उसके आजू बाजू के कंट्री है उनको बोल रहा, देखो हम जंग नहीं चाहते मालूम, अगर हम पर हमला करा इसराइल ने तो इससे बड़ा हमला करेंगे हम, और हमको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है भाई, हम पे हमला होगा तो क्या हम मर जाएंगे क्या बोले? नहीं बोले, हम सेल्फ डिफेंस करेंगे मालूम। अभी रशिया ने उसकी मदद करा, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एकदम खड़क वाला ईरान को दिए ले कि तू देख तेरे ऊपर हमला होगा ना तो इससे बचाव करना। और ईरान बोल रहा अगर कभी
इसराइल ने कोई हरकत करी तो इससे खतरनाक हमला करेंगे हम, बोले। दोस्तों रिपोर्ट लगाओ पहले, ये रिपोर्ट देखे। इसराइल ने ऐलान करेला कि हम हमला करेंगे, पर ऐसा हमला करेंगे कि इलाके में आसपास भाई जंग ना फैल जाए। ये जो चार पांच लोग बैठे दिख रहे नेतन्याहू के आसपास, हाँ, तो ये वार कैबिनेट मिनिस्टर ही है भाई। ये लोग डिस्कस करते कि बैठ के कैसा क्या हमला करने का है। ये लोग ने डिस्कस करेगी हम हमला करेंगे पर इलाके में जंग नहीं फैलेंगी। मालूम कि है डरपोक इसराइल कि अगर कभी बड़ा हमला कर दिया ईरान पे और ईरान ने 4-5 हजार अगर मिसाइल डाला, अभी तो 300-400 ही डाला था, तो हालत ऐसी पतली और नेतन्याहू तो सब भाग रहा था। मोबाइल में टाइम लगा के 12 मिनट में बोले इसराइल पे गिर जाएंगी, बोले मिसाइल, ऐसा भाग रहा डायरेक्ट। टाइम देखते देखते वीडियो लगाओगे, वीडियो देखो रे, वीडियो ऐसा भागा दन 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 दन। अब अगर हमला हुआ, ईरान ने हमला करा 4-5 हजार मिसाइल, तो कौन रोकेगा भाई? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस भी नहीं रोक पाएंगे दादा, इतने सारे मिसाइल किसको रोकूं मैं? कम से कम 1,000-1,500 तो जाके गिरेंगे, आधी मिसाइल भी रोक लिए तो भी। इसराइल डर डर के भाई हमला करेंगे हम, पर ऐसा हमला नहीं करेंगे कि भाई आजू बाजू इलाके में जंग फैल जाए। ये इसराइल की हकीकत है दोस्तों। अब बाइडन ने बोला है कि इसराइल को देख भाई, तू ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता, समझा दे रहा था वहां पे हमला मत करना। इसराइल बोलता रहे क्यों रे भाई, क्यों नहीं हमला करो? बोले वहां पे मैं नहीं, बोले वहां पे हमला नहीं करने का, बोले समझ रहा। बोले अब इसराइल क्या बोलता फिर मालूम बाद में? बोले अब मैं ऑयल रिफाइनरी है ना जो, बोले उस पर हमला करूंगा, बोले ईरान की। फिर से बाइडन ने बोला कि नहीं भाई तू उस पे भी हमला मत कर, समझ रहा क्या? इसका रीजन क्या है पता है क्या? अगर ऑयल रिफाइनरी पे हमला होता है ईरान की, तो पूरी दुनिया में तेल का दाम बढ़ जाएगा, ऑयल का दाम बढ़ जाएगा मालूम। और इसके बदले में फिर ईरान भी तो पलटवार करेगा ना, ईरान थोड़ी ठंडा बैठेगा, इतना बड़ा प्लांट उड़ा दिया भाई, करोड़ों रुपए का मैं ऑयल बेचता था यहाँ से, हाँ चले मेरे ऑयल इंडस्ट्री पे हमला करा तूने, बोले तो ईरान भी देंगे ना उसकी। फिर इसराइल की न्यूक्लियर साइट है, फिर इसराइल के अंदर भी बहुत सारे बोले ऑयल इंडस्ट्री, उसको हमला करेंगे उसके ऊपर। तो इसलिए बाइडन ने बोला देख बेटा हमला नहीं करने का दोनों जगह, न्यूक्लियर साइट के ऊपर भी हमला नहीं करने का और जो ऑयल रिफाइनरी है ना उस पर भी हमला नहीं करने का है। अब दोस्तों अमरीका ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इसराइल हमला करेगा, पर ये गारंटी नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा या फिर ईरान की फैसिलिटी पर हमला करेगा। हाँ पर इसराइल हमला जरूर करेगा। अभी क्या बोल रहा था बाइडन कि देख नेतन्याहू हमला करने का है देखो, न्यूक्लियर साइट पर हमला मत करना, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला मत करना। और अभी यही जे ऐसा बयान बदल दिया, मतलब CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा अमरीका ने कि इसराइल हमला करेगा। अब वो गारंटी नहीं कहाँ पे हमला करेगा, बात को गोलमोल कर दी ले। ये लोग का यही काम है, कभी कुछ बोलते हैं आके ऊपर, कभी कुछ कि ईरान को कंफ्यूज करे, कि ईरान कंफ्यूज में रह के हमला होगा कि नहीं होगा। पर ईरान का दादा अलग ही भौकाल है, ईरान डायरेक्ट तैयार है अभी से, बड़े बड़े हथियार मंगा रहा रशिया से, एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि देख हम इलाके में ना जो आसपास का इलाका है हमारा, हम उसमें जंग नहीं चाहते, हम जंग के खिलाफ है, बोले। पर अगर इसराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो फौरन एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब पलटवार भी होगा खतरनाक वाला एकदम, फिर इसराइल इसका अंजाम सोच ले। फिर इसराइल कुत्ती का बच्चा ऐसा लग रहा ना, ईरान का पूरा गुस्सा लेबनान के ऊपर निकाल रहा। क्यों? क्योंकि लेबनान के ऊपर ऐसी खतरनाक एयर स्ट्राइक और ऐसा मिसाइल दाग रहा, ऐसा खतरनाक हो गए लेबनान के अंदर। अब आपको मैं तबाही का मंजर भी दिखाता हूँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अब जिस ब्लू प्रिंट का इस्तेमाल इसराइल ने गाजा में करा, अब वही ब्लू प्रिंट का इस्तेमाल लेबनान के अंदर करेगा। अब भाई ये जैसा बोलेंगे एम्बुलेंस को भी निशाना बनाएगा इसराइल। क्यों? क्योंकि गाजा में बहुत सारी एम्बुलेंस को निशाना बनाया इसराइल ने, और इसराइल बोलता था कि इसमें हमास के लड़ाकू लोग है भाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाकू लोग है, हम इसके लिए बोले एम्बुलेंस को निशाना बना रहे। और ऐसा कर करके इसराइल ने कई मासूम लोगों की जान लिया, जो पेशेंट लोग थे जो घायल हो जा रहे थे, वो जा रहे थे एम्बुलेंस में, उनको उड़ा दिया, उनको मार दिया मालूम। अब यही फार्मूला इसराइल
लेबनान के अंदर अपना रहा कि हम एम्बुलेंस को भी निशाना बनाइए, क्योंकि लेबनान क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर बोले हिजबुल्ला के लड़ाकू वो लोग बोले, इसलिए हम यही फार्मूला अब गाजा का जो फार्मूला है लेबनान में भी अपनाएंगे। अब दोस्तों लेबनान के अंदर साउथर्न गाजा के अंदर हॉस्पिटल के करीब में बिल्डिंग थे उसके ऊपर हमला करा, जिसमें जो कर्मचारी थे वो 9 लोग घायल हुए ले, समझ रहे 9 लोग घायल हुए। इसराइल का यही काम है हॉस्पिटल पर हमला करता, आजू बाजू के इलाकों पर हमला करता और बाद में बयान देता कि नहीं हमको वहाँ पे भाई ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ पे हिजबुल्ला के हमास के लड़ाकू थे। ये इसराइल का असली चेहरा है, हमेशा से हॉस्पिटल को निशाना बनाया, अभी साउथर्न लेबनान के अंदर क्या करा हॉस्पिटल के बाजू वाली बिल्डिंग को निशाना बनाया जिसमें 9 कर्मचारी घायल है। अब दोस्तों अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया है कि लेबनान वालों को बोला है कि अब इसराइल और लेबनान का सिस्पायर नहीं होगा भाई, समझ रहे, मतलब नेतन्याहू तो यही चाह रहा था कि लेबनान को मैं घसीटू जंग के अंदर, समझ रहे, और लेबनान को पूरा घसीट लिया जंग के अंदर। अभी लेबनान जंग में मतलब जो हाल गाजा का वेला है वही हाल अब लेबनान का भी होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने यह कदम पीछे कर लिए, हमने के भाई हम नहीं चाह रहे कि तुम दोनों में सीजफायर हो, मालूम अमेरिका भी वही चाह रहा था, इसराइल भी वही चाह रहा था, सब बकर बकर रहते कि अपने अपने आप में न्यूज़ बनाते, लोगों को गुमराह करते, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी, फ्रांस, सब मिलजुल कर न्यूज़ बनाते और उसको बाद में वही कुदरत कर देते और बाद में बोलते कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, ये ऐसा चल रहा मालूम। अब दोस्तों क्या है ना इसराइल लगातार सीरिया पर भी हमला कर रहा, इसराइल कहाँ कहाँ पे हमला कर रहा, इसराइल गाजा में हमला कर रहा, फलस्तीन पर भी हमला कर रहा, हाँ फलस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी हवाई हमला कर रहा, रेड कर रहा, लोगों के घरों तोड़ रहा, अब लेबनान के ऊपर भी हमला कर रहा, हाँ इराक के ऊपर भी हमला कर रहा, सीरिया के ऊपर भी हमला तो कर ही रहा, अब इराक के ऊपर भी हमला कर रहा, ऐसा 5 जगह पर इसराइल हमेशा हमला कर रहा मालूम। और ये 56 बहने मुंह देख रही, इसमें से अभी एक बहन को शर्म आई, अरे बाप ईरान भाई लड़ रहा मेरा तो मैं आ जाती, बोले कौन, ओमान, ओमान अभी ईरान के साथ में आ गया, बाकी 55 बहन सिर्फ मुंह ताक रही कि भाई ऐसा सोच रही कि भाई मर ही जाने को ना, भाई का साथ ही नहीं दे रही 56 बहने। अब दोस्तों अमरीका और इसराइल क्या फार्मूला खेलते मालूम है तुमको, ये फार्मूला है उनका, सामने वाले पे इसराइल हमला कर देता और पीछे से अमरीका भी यहाँ रहती कि हमला कर दे और बाद में अमेरिका क्या करता मदद के लिए आगे आ जाता भाई, मतलब ये लोग मार रहे पिट रहे और सामने वाले को मलम पट्टी खुद ही कर रहे। अब ये रिपोर्ट देखो $1.57 बिलियन यानी लेबनान को देने का बोलेला पैसा, समझ रहे कि ये लोग अमेरिका पैसा देगा उसको मदद करेगा और फिर से पीछे से इसराइल को हथियार देगा, बोले अबे मैंने इतनी मदद करा ना थोड़ा तू हमला भी कर दे, समझ रहे कि भाई अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर मेरी इज्जत बचाओ कि मैं देख लेबनान की मदद करा, हाँ मैं तो ये सब चीज़ से दूर है, पर असल में अमेरिका ही है जो इसराइल को हथियार उत्तियार देता और इसराइल फिर लेबनान पर, गाजा पर, दमिश्को पर, हाँ इराक पर, सीरिया पर, हर जगह बड़ा हमला कर रहा जिसमें मासूम लोग जा रहे, आम सिविलियंस लोग मारे जा रहे। ये फॉर्मूला है ये लोग का, ये लोग पैटर्न बनाए ले, मतलब ये तुम लोग पब्लिक को समझना पड़ेगा ये पैटर्न, अमेरिका हर जगह मदद करेगा और इसराइल हमला करेगा, ये पैटर्न है। अब दोस्तों रशिया ना पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहा, क्योंकि रशिया ने बता दिए ले ईरान को कि पर्शियन गल्फ के अंदर 4 फाइटर जेट घूम रहे भाई इसराइल के, तेरे ऊपर नज़र रखने का वास्ते, समझ रहा क्या, तो जरा चौकन्ना रहना, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आई ना मेरे पास में तो मैं तेरे को दे दूंगा ईरान को, ये रशिया बोल रहा, समझ रहे, हालात बहुत सख्त खराब है दोस्तों, कब भी बड़ा हमला हो सकता है और जैसे हमला हुआ हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट देने की। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जरा बढ़ाओ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, कैसे आपको एकदम बेहतरीन लैंग्वेज में हम लोग का न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ तो आप लोगों का काम है हमको सपोर्ट करो।